हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे नोजल। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में नोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम मटेरियल मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं नोजल के बारे में। नोजल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा नोजल कहाँ यूज करते हैं। नोजल जो है वो एक मैकेनिकल लिंक होता है सिलेंडर, मतलब कि जो इंजेक्ट करता है प्लास्टिसाइजिंग मटेरियल को वो, और बैरल, बैरल को हम सिलेंडर बोल सकते हैं, उसके बीच और मोल्ड के बीच एक मैकेनिकल लिंक होता है जिसके थ्रू मटेरियल को प्लास्टिसाइज और प्रेशराइज करके मोल्ड में इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और जो मेल्ट है, जो मतलब मटेरियल प्लास्टिसाइज होता है, मेल्ट होता है, वो नोजल के थ्रू ही फ्लो करता है, मतलब वो उसी के थ्रू मोल्ड में इंसर्ट होता है। ठीक है। कुछ नोजल जो है वो डायरेक्टली कैविटी से कनेक्ट होते हैं, कुछ नोजल जो है वो स्प्रू के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नोजल, टाइप्स ऑफ नोजल। द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ नोजल टू बी यूज डिपेंड ऑन द मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड। कौन सा मटेरियल हमको प्रोसेस करना है, कौन सा मटेरियल का प्रोडक्ट बनाना है, उस पर ये निर्भर करता है कि हम कौन सा टाइप का नोजल यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, जनरली नोजल जो है वो दो टाइप का होता है, ओपन नोजल और शट ऑफ नोजल। ठीक है। ओपन नोजल हो गया और शटअप नोजल हो गया। शटअप नोजल दो पार्ट का, दो टाइप का होता है। एक ही होता है इंजेक्शन प्रेशर ऑपरेटेड नोजल और दूसरा होता है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड नोजल। ठीक है। तो अभी हम पहले देखेंगे ओपन नोजल कैसा होता है और ओपन नोजल के बारे में। तो ओपन नोजल के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं एक नोजल का सिंपल सा डायग्राम। आइए हम देखते हैं इस इमेज को। ठीक है। ये जो इमेज है ये नोजल है जो कि मोल्ड के, ये जो बैरल हो गया, बैरल के टिप पे ये अटैच किया रहता है। ठीक है। यही नोजल है, नोजल के थ्रू मटेरियल जो है वो मोल्ड में इंजेक्ट होता है। और ये फिर ये देखिए, एक दो नोजल यहाँ जो है वो दो टाइप का आपको नोजल दिख रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नोजल में, ओपन नोजल और शट ऑफ नोजल। शट ऑफ नोजल में भी दो टाइप था, इंजेक्शन प्रेशर ऑपरेटेड नोजल और दूसरा था हाइड्रोलिक ऑपरेटेड नोजल। तो हम देखेंगे सबसे पहले ओपन नोजल कैसा होता है और क्या होता है ओपन नोजल। ओपन नोजल इज रिलेटिवली चीप एंड सिंपल टू यूज। ओपन नोजल जो होता है वो सस्ता होता है और मतलब बहुत सिंपल से हम इसको यूज कर सकते हैं। द एडवांटेजेज ऑफ द ओपन नोजल इज दैट इट हैज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ एंड इट इज बाई फार द इजिएस्ट टू क्लीन। ओपन नोजल का ये एक एडवांटेज है कि ये बहुत मतलब इस छोटा होता है, जैसे कि इसका लेंथ या जो भी है डायमेंशन वो छोटा होता है और क्लीन करने में नोजल हमें बहुत आसानी होती है। ठीक है। ये जो डायग्राम है ये ओपन नोजल का ही है, हमने बताया था बहुत छोटा होता है डायमेंशन और साफ करने में आसानी होती है। ये देखते हैं ओपन नोजल, ये जो नोजल का माउथ है ये बहुत है, ये ओपन होता है, ये उस ये माउथ हो गया, उसके बाद हो गया ये नोजल लेंथ हो गया, ये फिर से ये नोजल का डायमीटर हो गया, ये जो है पोर्शन ये नोजल का डायमीटर है। ठीक है। तो डायग्राम से क्लियर होता है कि ओपन नोजल क्या है और कैसा होता है। अब आगे हम देखते हैं शट ऑफ नोजल के बारे में। यहाँ है शट ऑफ नोजल, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है शट ऑफ नोजल। एक्सप्लेनेशन है, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ शट ऑफ नोजल एंड दीज आर नॉर्मली यूज फॉर मेटेरियल ऑफ लो विस्कोसिटी विच हैव अ टेंडेंसी टू ड्रूल। इन पार्टिकुलर दे आर यूज ऑन मशीन्स रनिंग ऑन फास्ट रिफिल विद लिटिल और नो टाइम बिटवीन स्क्रू स्टॉप एंड क्लैंप ओपन। मतलब कि जो शट ऑफ नोजल है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जनरली मतलब सामान्यतः हम लोग ऐसे मटेरियल के लिए ये शट ऑफ नोजल यूज करते हैं जिसका कि विस्कोसिटी जो होता है वो बहुत कम होता है, जैसे कि जो मेल्ट होने पर बहुत पतला होकर फ्लो करता है ना, जो मटेरियल जितना फ्लो पतला होकर करता है उतना उसका विस्कोसिटी जो होता है वो कम होता है। जैसे कि पानी का विस्कोसिटी है वो कम होता है और शहद जो होता है वो गाढ़ा होता है तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। तो वैसे ही जिसका मटेरियल का विस्कोसिटी कम होता है उसमें एक सामान्यतः एक टेंडेंसी होता है, मतलब एक नेचर होता है ड्रूलिंग का। ड्रूलिंग भी एक टर्म है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यूज होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो जिस मटेरियल का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है ना उसमें ड्रूलिंग कम होता है, जिसका विस्कोसिटी कम होता है उसमें ड्रूलिंग ज़्यादा होता है। तो हम लोग जनरली उस मटेरियल के ये शट ऑफ नोजल यूज करते हैं जिसमें कि विस्कोसिटी कम होता है और ड्रूलिंग ज़्यादा होता है। ऐसे जो शट ऑफ नोजल है वो जो दूसरे केस में यूज करते हैं, जो केस मतलब कि एक दूसरा भी केस है जिसमें क्या होता है रिफिलिंग जो होता है बहुत फास्ट होता है मटेरियल का,
मशीन का जो प्रोसेस में रिफिलिंग एक प्रोसेस आता है जो कि बहुत फास्ट रिफिलिंग होता है, और स्क्रू के रुकने और क्लैंपिंग ओपन क्लोज जो क्लैंपिंग होता है मोल्ड का, उसके बीच में जो टाइम नहीं बचता है ना, मतलब बहुत कम टाइम गैप पे होता है, उसमें भी हम सटफ नोजल का यूज करते हैं जो कि बहुत फास्ट रिफिलिंग होता है। ठीक है, सटफ नोजल जो होता है वो दो टाइप का है, ठीक है, वो देखते हैं कौन सा। एक है इंजेक्शन प्रेशर नोजल, दूसरा है द एक्सटर्नल हाइड्रोलिक सिस्टम। अब हम देखेंगे इंजेक्शन प्रेशर ऑपरेटेड नोजल कैसा होता है, तो अभी हम डायग्राम पहले देखेंगे फिर उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। ये जो नोजल है ये है सटफ नोजल, ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर ऑपरेटेड नोजल होता है। इसमें क्या होता है, जब मटेरियल इधर से इंजेक्ट होता है तो ये जो है पिस्टन को पुश करता है और वो नीचे आता है स्प्रिंग के थ्रू, ठीक है, ये बाहर नीचे आ जाता है और मटेरियल जो है वो मोल्ड में इंजेक्ट हो जाता है, और जब इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये वापस स्प्रिंग पुश करता है बार को, और बार ये पिस्टन को, जिससे कि नोजल लॉक हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेकेंड जो नोजल था हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड नोजल, उसको देखते हैं। ये जो है नोजल ये है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड नोजल। इसमें क्या है, ये जो पिन लगा है ना, ये पिन, ये जो होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर से यहाँ कनेक्ट होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर ही क्या करता है, नोजल को ये पिन को अप और डाउन करता है, मतलब कि ओपन और क्लोज करता है इस नोजल के पाथ ही। ये पाथ हो गया नोजल का जहाँ से मटेरियल फ्लो करेगा, और बीच में ये स्टॉपर पिन लगा हुआ है जो कि फ्लो को रोकता है। तो क्या करते हैं, इसके साथ एक हाइड्रोलिक सिलेंडर अटैच रहता है यहाँ पे जो कि स्पिन को ऊपर खींचता है, तो ये पाथ क्लियर होता है, मटेरियल फ्लो करता है, और स्पिन को फिर वो क्लोज कर देता है, तो मतलब नीचे पुश करता है तो पाथ बंद क्लोज हो जाता है और मटेरियल का फ्लो यहीं पर रुक जाता है। तो इंजेक्शन के टाइम वो हाइड्रोलिक सिलेंडर ओपन और क्लोज करता है इस वाल्व को, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व नोजल। ठीक है, ओके गाइस, तो देखते रहिए प्लास्टिक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। वीडियोज को पूरा से पूरा देखें, और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो नोजल यूज होते हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक्स वर्ल्ड।